नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, रतलाम छिम रेलवे का एक मंडल मुख्यालय होने के साथ में भारतीय रेलवे का महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन भी है। यह एक कैटेगरी का स्टेशन है जो कि राजस्व के मामले में किसी भी अन्य बड़े स्टेशन से कम नहीं है। यहाँ से कई ट्रेनें शुरू और यहाँ पर ख़त्म होती है। बहुत सारी ट्रेनों का यहाँ पर स्टॉपेज है तथा कुछ ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग काफ़ी लंबे समय से की जा रही है। ये लंबी ट्रेनें हैं जो कि वडोदरा से कोटा के बीच 527 किलोमीटर का सफ़र तय करने के दौरान किसी भी स्टेशन पर विराम नहीं लेती हैं, लेकिन ये रतलाम स्टेशन पर रेस्ट्रिक्शंस होने की वजह से रेंगती हुई क्रॉस होती है। इनका स्टॉपेज ना होने से यहाँ पर यात्री इन ट्रेनों का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। साथ ही इनका क्रू चेंज करने आदि से संबंधित जो तकनीकी काम रेलवे को करना होते हैं वह भी नहीं कर पाते हैं। इसी को देखते हुए क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के द्वारा लगातार इस बारे में प्रयास किए जा रहे हैं कि ये 7 जोड़ी ट्रेनें रतलाम जंक्शन स्टेशन पर ठहराव लें। साथ ही क्षेत्र की जानी मानी संस्था द मालवा रेलफेन क्लब के द्वारा भी समय समय पर विभिन्न जनप्रतिनिधियों एवं रेलवे अधिकारियों को इस बाबत ज्ञापन सौंपे गए कि इन 7 जोड़ी ट्रेनों के स्टॉपेज रतलाम जंक्शन स्टेशन पर हो ताकि लंबी दूरी की इन ट्रेनों का फ़ायदा यात्रियों को मिले, साथ ही रेलवे को भी अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो सके। गौरतलब है कि इन 7 ट्रेनों में से एक ट्रेन कोचुवेली योगनगरी ऋषिकेश गाड़ी में पेंट्री कार की भी व्यवस्था नहीं है। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस ट्रेन के यात्रियों को करीब 5-6 घंटे का समय अपने पर्याप्त जो उपलब्ध खाने की चीज़ें हैं उन पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। वडोदरा से चल के सीधे कोटा में ही उन्हें स्वल्पाहार या खाने पीने के आइटम मुहैया हो पाते। जिन 7 जोड़ी ट्रेनों के स्टॉपेज की बात यहां पर की जा रही, इसमें से 3 जोड़ी ट्रेनों के बारे में पश्चिम रेलवे के द्वारा पिछले वर्ष यानी कि 23 अप्रैल 2021 में भी प्रस्ताव भेजा था। वहीं इस वर्ष जनवरी महीने में इनमें 4 गाड़ियों का और इजाफा करते हुए कुल 60 जोड़ी ट्रेनों के प्रस्ताव रतलाम जंक्शन स्टेशन पर स्टॉपेज के समय के साथ में उल्लेखित करते हुए पहुंचाए हैं। रेलवे बोर्ड को भेजे गए प्रस्ताव में उन्होंने खास बात का उल्लेख किया है कि जो रेलवे बोर्ड के द्वारा किसी भी स्टॉपेज के लिए न्यूनतम राजस्व प्रति स्टॉपेज के लिए लिमिट है, उससे ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति रतलाम जंक्शन स्टेशन पर हो रही है। इसलिए यह अनुशंसा उनके द्वारा की गई है कि यहाँ पर यदि ये ट्रेनों के स्टॉपेज हो जाते हैं तो इन्हें पर्याप्त मात्रा में राजस्व प्राप्त होगा। तो क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और द मालवा रेलफेन क्लब के संयुक्त प्रयासों से अब यह जल्द ही सौगात रतलाम जंक्शन स्टेशन को मिल सकती है कि उक्त 7 जोड़ी ट्रेनों के स्टॉपेज जंक्शन स्टेशन पर हो जाएंगे। इस बाबत रेलवे बोर्ड के द्वारा आदेश जारी होने की प्रतीक्षा की जा रही है। इन 7 ट्रेनों के प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड की ओर से अंतिम मुहर लगना बाकी है। उनमें कोचुवेली चंडीगढ़ केरला संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, कोचुवेली अमृतसर सुपरफास्ट, कोचुवेली देहरादून सुपरफास्ट जो कि अब योगनगरी ऋषिकेश तक हो गई है, मडगांव निजामुद्दीन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, त्रिवेंद्रम निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस, मडगांव निजामुद्दीन गोवा राजधानी एक्सप्रेस, बांद्रा निजामुद्दीन महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के नाम शामिल है तथा जल्दी उम्मीद की जा रही है कि रेलवे बोर्ड जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इन ट्रेनों का स्टॉपेज प्रदान कर देगा तथा इससे क्षेत्र की जनता लाभान्वित होगी। इस बारे में आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।